फंक्शनली अपने लिए डेवलपमेंटली हम लोगों ने कोई भी बेहतरी लाने की कोशिश कर ही नहीं रहे। हम लोग अगर डेवलपमेंट की तरफ देखें तो हम लोगों को हर मुल्क के साथ बेहतरीन तलुकात रखने चाहिए। नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, मुझे बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त रशिया की, तो रशिया ने 9 बैंक्स ओपन किए हैं इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के लिए, जो कि इंडियन रुपी में ही डील करेंगे। ठीक हो गया। वॉस्ट्रो अकाउंट्स उन्होंने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसका मतलब ये होता है कि आप ट्रेड का जो एक्सचेंज है वो वहाँ पर कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जो इंडियन रुपी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कह लें कि डॉलर को भी पीछे छोड़ने वाला है, तो पाकिस्तान का जो रुपी है उसकी वैल्यू कहाँ पर फॉल कर रही है? कहाँ पर फॉल कर रही है? वहीं पर फॉल कर रही है जहाँ पर आज से कह लें 75 साल पहले फॉल कर रही थी, जब पाकिस्तान बना था। तभी से मेरे ख्याल से जहाँ पर जब 1947 में हम लोग जहाँ पर फॉल कर रहे थे वहीं पर अभी भी फॉल कर रहे हैं। बिकॉज रुपी मैटर नहीं करता हम लोगों के लिए, डेवलपमेंट मैटर नहीं करती हमारे लिए, किसी भी चीज़ में आगे निकलना प्रमोट होना ये मैटर करते नहीं है। हमारे लिए मैटर करती है सियासी इंस्टेबिलिटी, जो हम लोग खुद ही लेकर आते हैं, खुद ही एक दूसरे के अंदर झगड़े फैलाते हैं और फिर एक दूसरे के खींचातानी करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर दूसरे को दूसरा तीसरा खींचातानी करके उसको नीचे गिराते हैं और खुद ऊपर चढ़ता है। यही बस इंस्टेबिलिटी चलती जा रही है। रुपी को गोली मारो, उसको क्यों देखना है भाई? हम लोगों ने उसको उसकी तरफ क्यों ध्यान दिए? हम लोग लड़ रहे हैं ना, काफ़ी नहीं है हम लोग लड़के सीट ले रहे हैं। अच्छा देखा जाए तो रशिया बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का। ठीक हो गया, काफ़ी अच्छे तालुकात नज़र आते हैं उसके, लेकिन अमेरिका की वजह से ये तालुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, जिसकी वजह से हर फैसिलिटी या हर बेनिफिट आप देख लें इंडिया को मिल रहा है। अगर यहाँ पर वो थोड़ा सा काम करे या पाकिस्तान अपना हाथ बढ़ाए अमेरिका को छोड़कर, तो पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर जा सकता है। वैसे तो हम लोग कहते हैं कि हम किसी के अलाए नहीं हैं, हम लोग रशिया के अलाए नहीं हैं, हम लोग अमेरिका के अलाए नहीं हैं, हम लोग इसके अलाए नहीं हैं, हम लोग उसके अलाए नहीं हैं आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ऑफ टू, बट बेसिकली वी आर अलाए। हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग किसी ना किसी एक को अलाए करते हुए किसी एक को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो इसी तरीके से आप जैसे कि हम लोग देखें अमेरिका के अलाए हैं देनी, तो हम लोगों ने रशिया को रिजेक्ट किया हुआ है, निगलेक्ट किया हुआ है ट्रेड में और चीज़ों में, और अपने लिए फंक्शनली अपने लिए डेवलपमेंटली हम लोगों ने कोई भी बेहतरी लाने की कोशिश कर ही नहीं रहे। हम लोग अगर डेवलपमेंट की तरफ देखें तो हम लोगों को हर मुल्क के साथ बेहतरीन तलुकात रखने चाहिए। नहीं मैं कह रही कि अमेरिका को बैकवर्ड कर दें, अमेरिका के साथ कोई अच्छी ट्रेड ना करें, उनके साथ अच्छे तलुकात रखें, उनके साथ भी रखें, बट यू हैव टू कंसिडर। अच्छा रशिया ख्वाब रखता है कि वो अमेरिका के बाद सुपर पावर बने, ठीक हो गया, एंड स्टिल वो कोशिशें भी कर रहा है। अब इंडिया खुद एक बहुत बड़ी मंडी है अगर देखा जाए तो, और वहाँ पर ट्रेड की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इनको। आपको क्या लगता है कि मज़ीद ट्रेड को इम्प्रूव करके आने वाले दिनों में, जैसे कि चाइना कहता है कि वो भी सुपर पावर, इस वक्त 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लाइन में लगी हुई हैं सुपर पावर, अमेरिका है, रशिया बनना चाहता है, चाइना भी बनना चाहता है, तो इंडिया के साथ रशिया के तालुकात अच्छे हैं, चाइना के इतने अच्छे नज़र नहीं आते? चाइना का हमारे साथ बहुत अच्छे तलुकात हैं, एज़ यू नो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे उनके जो हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते रहे हैं और चल भी रहे हैं, हमारे साथ अच्छे तलुकात हैं। लेकिन चाइना आपको पता है कि खुद को सुपर पावर कंसीडर करता नहीं है, वो कहते हैं कि हम लोग को सुपर पावर है, हम लोग बनना नहीं चाहते, हम लोग ऑलरेडी हैं। अमेरिका भी यही चीज़ कंसीडर करता है, रशिया जो है वो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ये कह रहा है कि हम लोग बनेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग इनको देखें तो इनके साथ साथ इंडिया जो है वो खुद को ऐसा छुपी छुपी में, वो कहते हैं ना कि छुपा रुस्तम बन के वो आगे की तरफ को निकलता हुआ, वो कहते हैं ना कछुआ है जो ऐसा ऐसा रेस की तरफ जा रहा है और कह रहा है कि एक दिन तुम लोग सारे खरगोश जो है वो पीछे रह जाओगे और मैं आगे निकल जाऊंगा। इंडिया इस तरीके की स्ट्रगल कर रहा है, और अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान भी ऐसी स्ट्रगल कर सकता है अगर वो अपनी पॉलिटिक्स को यानी स्टेबल लेकर आए, उनकी इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करे, झगड़ों को ख़त्म करे, आम आवाम की तरफ देखते हुए पूरी आवाम को इस चीज़ की अथॉरिटी दी जाए कि वो किसी न किसी डेवलपमेंट में आगे निकलें, यानी न्यू सोच जो हमारी नई सोच है, यंग सोच है, यूथ की जो सोच है वो आगे की तरफ प्रमोट हो सके, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हम लोग भी आगे निकल सकते हैं। रशिया क्या, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे लिए भी ऐसे ही बैंक, ऐसे ही रुपी जो है हमारी रुपी को भी प्रमोट कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को पहले खुद एफर्ट करने की ज़रूरत है। सही हो गया, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त रशिया की, तो रशिया ने 9 बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं इंडिया के अंदर, जिनका नाम है विस्ट्रो, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज के लिए ओपन किए गए हैं, ट्रेड के लिए ओपन किए गए हैं, और जो रशिया है वो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करने वाला है, डॉलर में नहीं, पहले डॉलर में करता था, लेकिन अब जबकि इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे तालुकात हैं उसके इंडियन, हाँ जी बिल्कुल, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर फॉल कर रहा है? रशिया के साथ पाकिस्तान के तालुकात अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन सारे बेनिफिट्स इंडिया को मिलते जा रहे हैं। वेल देखें, रशिया से जो है ना इंडिया का तलक बहुत पुराना है, तो पाकिस्तान ने तो ये लास्ट जब PMLN की गवर्नमेंट थी ना, तब सरताज अजीज़ उधर गए थे, तब से कोई रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ इंडिया का रिलेशनशिप उनसे पुराना है, वो ट्रेड भी कर रहे हैं, वो वेपन्स भी खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, अभी बल्कि थोड़ा सा उनकी आपस में खटपट हुई थी, तो इट्स गुड अगर ट्रेड हो रही है, ये बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द वर्ल्ड। और डॉलर का राज ही नहीं रहना चाहिए, सब अगर अपनी करेंसीज में करेंगे तो एवरी कंट्री कैन ग्रो।
सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे कि रशिया का ख्वाब है कि वो भी सुपर पावर बने और वो पूरी कोशिश भी करता है कि सुपर पावर वाली चीज़ों को अडॉप्ट करने की, चाइना जो कि कहता है कि मैं सुपर पावर बनना नहीं चाहता, मैं हूँ अमेरिका जो कि ऑलरेडी है। तो मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया की बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट नज़र आती है हम लोगों को, ठीक हो गया, तो इनके जो रिलेशन हैं वो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं, एंड आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो रशिया है उसकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ तक पहुँचेंगी, वो कहाँ तक जाएगा कि सच में वो सुपर पावर बनेगा अमेरिका के बाद? अच्छा फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रशिया वाज़ अ सुपर पावर, ठीक है, हर मुल्क यही कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं। नहीं, वो अमेरिका से पहले सुपर पावर था ना, सोवियत यूनियन। हाँ जी बिल्कुल, यू रिमेंबर जी, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है उनका सोवियत यूनियन था जिसको तोड़ा गया था अफगान वॉर में, ठीक है, तो दीवारें बर्लिन भी आपको याद होगा, हाँ एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ रशिया, ये एलाइज भी थे हाँ उस जंग। अच्छा नेक्स्ट, अब ये कि जो है अमेरिका कहता है कि जी वो सुपर पावर है, तो नो डाउट इस टाइम वो है, लेकिन उसका फॉल नज़दीक है क्योंकि चाइना एक डिफरेंट स्ट्रेटजी से ऊपर आ रहा है, वो ट्रेड के जरिए सुपर पावर बन रहा है रादर देन वॉर्स, और अमेरिका जैसे कि मेरे ख्याल में तो उनके ब्लड में ही शामिल है कि धों से दादागिरी कब्जा करना, क्योंकि वो जिस खत्ते में रह रहे हैं वो भी उनका नहीं है, वो रेड इंडियंस का था। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहां पर है? एक और चीज, सॉरी, आपने जो पूछा था कि इंडिया से रशिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, मेरे ख्याल में जो है ना इस पूरे खत्ते के आपस में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि यूरोप की तरफ पे ये तरक्की कर सके, तो ये एक अच्छी चीज है, उनसे ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने डिप्लोमेटिक जो सोर्सेज हैं उन्हें यूज करें। और हमारे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो हमारा जो रुपया था उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू थी पैसे की, लेकिन अब नहीं है, क्या वजूहत बनी है कि हम डाउन चले गए अपनी करेंसी के अंदर? हाँ, ये इसके लिए वन लाइनर है कि हमारे रुपये की अब वैल्यू 2% की नहीं रही। बिल्कुल, तो देखें मतलब बहुत तंगी के हालात हैं, लेकिन मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा तंगी में से ही आसानी निकलती है, जब बहुत ज़्यादा तंगियाँ मुसीबतें आ जाती हैं तो तब कुछ ना कुछ उसमें से सही हो रहा होता है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रैक पे चल पड़ा है पाकिस्तान, इंशाल्लाह होपफुली वो आगे जाएगा। मतलब कि देखिए पाकिस्तान, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान हमेशा से ही बुरा था, पाकिस्तान बहुत अच्छा था, इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत ज़्यादा काम किया पाकिस्तान ने और तरक्की भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब के जो सूरत हाल है उसने पाकिस्तान को बिगाड़ दिया थोड़ा सा। इसके लिए अगेन आप इसको एक दूसरे एंगल से सोच सकते हैं, जैसे हम वी आर मुस्लिम्स, यहाँ के एशियन मुस्लिम्स हैं हम, ये इंडो पाक के मुस्लिम्स हैं हम, हिंदुआना मुआशरे से पेबंद हुए हैं, असल में हम अलहदा हुए हैं 75 years ago, तो हमें अभी नेशन बनने में टाइम लगेगा, वी आर नॉट अ नेशन येट। एक नेशन वो होती है जिसकी अपनी रवायात हों, अपने रस्म व रवाज पर्टिकुलरली अपने हों, हमने कुछ पकड़े हुए हैं अरब्स से, कुछ तुर्क से, कुछ हिंदुओं से, तो हम इनफैक्ट अभी तक कुछ नहीं है, तो वो बनेंगे इनशाला, आने वाली जनरेशन इज़ डिफरेंट, वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, तो अपनी नॉर्म्स और अपनी रस्म व रवाज बनेंगी, तो ये नेशन बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। हम आप दुनिया के नक्शे पे देखें ना, 75 years अगो कोई आज़ाद हुआ और उसने एटॉमिक पावर बन गया हो और वो सुपर पावर्स भी उसकी मिनते तरले करते हों समहाउ, ये भी कहते हों कि इसने हमें हरवाया, बिल्कुल, तो कुछ तो हैं हम, ठीक है ना, गुलाम नहीं, कुछ नहीं है हम, बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है और बहुत अच्छी अवेलेबल नजर आती है, बस हम मजबूर हैं हालातों की वजह से थोड़ा सा। खान साहब वाले गुलाम नहीं है, हाँ जो उनकी बात मानते हैं वो उनके लफ्जों के गुलाम है, उनके लफ्जों शख्सियती जो शख्सियत परस्ती है ना वो भी एक किस्म की बुद्ध परस्ती है, बिल्कुल, तो उससे निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच रघुपीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका नाम? अरसलान, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त रशिया की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया के अंदर 9 विस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करवाए हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए हैं, ट्रेड के लिए बनाए गए हैं, ठीक हो गया, और वैसे भी वो डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, वो इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस अचीवमेंट को देखते हुए? पहले अचीवमेंट है कि जैसे कि जो रशिया ने ना दो कंट्री सेलेक्ट की थी, एक इंडिया थी एशिया के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान, उन्होंने दोनों से एक कंट्री सेलेक्ट की कर लिया उन्होंने, और कर पे उन्होंने लास्ट टाइम ना पाकिस्तान सेलेक्ट किए थे जिसकी वजह से इमरान खान जो इशू बना था जिस उन्होंने वो उसको ख़त्म करके उन्होंने इंडिया के साथ जो है ना वो इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। ऐसा कि जो रशिया इस टाइम जो अचीवमेंट्स वगैरह कर रहा है वो सारी उसने पाकिस्तान के साथ करनी थी, मगर हमारे जो कुछ ये हुक्मरानों की वजह से ये काम नहीं हो सका। हाँ, अभी भी जो बैकएंड में जो हमें जो पता चला है, रिसर्च हुई है कि रशिया अभी भी चाह रहा है कि इमरान खान आए तो मैं ट्रेडिंग करूँ इमरान खान के साथ, और इमरान खान भी चाह रहा है कि मैं जो रशिया के साथ जैसे ईरान के साथ इंडिया के साथ सबके साथ मैं ट्रेडिंग करूं करना चाह रहे हैं। अब करें जिस तरह आप इंडिया की बात,
इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है, जो एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वही एक रिस्पेक्ट होता है। सर मैं मिसाल है, मेरे वालद साहब है ना घर में, जो मेरी बात करेंगे वो रिस्पेक्ट ही है हमारे घर में सब। अगर वो गलत किसी से बात करें, लोग कहेंगे ये सही नहीं। अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा बात, तो कहेंगे ये इनके माँ बाप ने इसको तरबियत नहीं दी। ऐसे जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो अपनी एक उनके पास जाता है, आउट ऑफ कंट्री जाता है, उन्हें बताता है कि हमारे मुल्क में आप आए, हम आपको ये रिलीफ देंगे, टैक्सेस माफ़ करेंगे, इंडस्ट्रीज हम देंगे, आपको ज़मीनें देंगे, आप आके इंडस्ट्रीज लगाएं। मगर हमारे मुल्क में जब का ये करप्शन स्टार्ट हुई हो, तब लास्ट टाइम एक BMW हमारे पाकिस्तान के अंदर, तब जरदारी का दौर चल रहा था, तो BMW आपके मोटरवे के पास जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे थे, वो एग्री थे। तो मगर जब जरदारी साहब ने कहा जी हमें आप क्या दोगे, तो उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री नहीं लगाई। इंडिया में ये नहीं, इंडिया में जाता है कि अच्छा जी आपने इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है जी हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, फिर आगे जाके एंड ऑफ अब जब वो चलती है आपको ऑलरेडी टैक्स लग जाते हैं उस पर। एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो रिस्पेक्ट है, जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे जो टेन्योर, हमारे मुल्क में कोई भी अभी 5 साल किसी का टेन्योर नहीं हुआ, कि 5 साल किसी हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ही आपने कहा कि टेन्योर कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारा जो पैसा है वो काफ़ी डाउन 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 चला गया है। क्यों डाउन चला गया है? इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से गया है, हुकूमत की इसमें कह लें कि नाहली नज़र आती है, या इसमें आवाम की नाहली नज़र आती है? नहीं नहीं, इसमें जो है ना हमारी जो हुकूमत है वो करती है। एक अगर आप अमेरिका के पैसे को ऊपर लेके जाएंगे ना, अपना पैसे तो पी नीचे गिरा देंगे, वो आपके एक मुल्क में भी काफ़ी मसला माशियत तबाह हो जाएगी। और जिस तरह इंडिया लगा लें, और उसके अलावा हाँ इंडिया लगा लें, इंडिया ने अपने रुपये से ट्रेडिंग कर रहा है, और कल को जो आने वाले वक्तों में आपको पता है वो तीसरे नंबर पर जो है ना आ जानी है उनकी इकॉनमी, जो हमें जो रिपोर्ट आई मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है, तो अभी 5th नंबर पे जा रही है, ठीक है, वो बीट कर रही है यूके को, बीट कर रही है वो उसकी उनकी करेंसी। उसने उसका दिमाग ऐसा चला है प्राइम मिनिस्टर, उन्हें अपने ही रुपये से सबके साथ ट्रेडिंग, ईरान से, रशिया से, दुबई से, जहाँ जहाँ मुल्कों मैंने सुना है वो अपने पैसे से कर रहा है। मगर हमारे जो मुल्क में वो करते हैं अमेरिका को, लाइक अमेरिका को वो जाते हैं, अमेरिका को समझे कि वो एक वो नहीं होते, मैं गलत बात नहीं करूँगा, छोड़ दें गलत बात करने, सारे देख रहे होंगे अमेरिका के एक जो है वो एजेंट समझ ले कि जो भी अमेरिका जो कहेगा ना उन्हें कहना, अगर दिन कहना, मगर वो जो वहाँ इंडियन है वो कहते हैं कि जो हमें जो जहाँ फ़ायदा होगा हमने वहाँ पर काम करना, बेशक अमेरिका हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी मुल्क हो, हमें जहाँ फ़ायदा होगा। इसलिए एक प्राइम मिनिस्टर होता है वही आपकी रिस्पेक्ट होता है, जो हमारे इस टाइम प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट नहीं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू अच्छी कर दी कि वहाँ पे हमारी पाकिस्तानी वहाँ पे तरीफे करती थी बाहर के ममालिक में, लंदन वगैरह में। इसलिए ये सिंपल बात है, ऐसे होना आगे इससे भी बदतर हालात है, जो आपका मुल्क बैंक्रप्ट होने जा रहा है, 80% चांस बढ़ गए हुए हैं, इमरान खान के होते 16% 80% चांस बढ़ गए बैंक्रप्ट, ब्लैक लिस्ट में जा, अगर इलेक्शन ना हो हमारे मुल्क में बैंक्रप्ट हो जाएगा हमारा मुल्क। सही हो गया, थैंक यू सो मच।